तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो येजदी कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से तीनों न्यू बाइक्स का मॉडल अभी लॉन्च कर दिया गया है इस इंडियन मार्केट में। और ये जो तीनों बाइक्स का मॉडल है तो ये अपने अपने जगह पर मतलब अलग अलग सेगमेंट पर है, और ये जो तीनों न्यू बाइक्स का मॉडल है तो ये भी आपके सामने ही है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के इसी वीडियो का हम लोग बात करने वाले हैं येजदी क्रूजर के ही बारे में, जो कि येजदी कंपनी की तरफ से कल ही लॉन्च हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, इसी वीडियो का हम लोग इसी न्यू बाइक के ही बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर भी क्या कुछ न्यू पावर फीचर्स दिए गए। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है येजदी रोडस्टार, और ये जो रोडस्टार वाला जो बाइक है ना, तो ये एक क्रूजर बाइक है। और जैसे कि जानते हो कि जो क्रूजर नाम से जितने भी जो भी कुछ बाइक्स मतलब पहले से अभी तक जितने भी जो भी कुछ आए हैं, तो वो सारा का सारा बाइक्स को ही लिया गया है काम में, लॉन्ग राइड्स के लिए ही ज्यादातर। तो इसी वजह से ये जो क्रूजर बाइक अभी जो येजदी कंपनी की तरफ से भी जो आया है, तो इसको भी वही लोग खरीदेंगे ज्यादातर जो लोग मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक उत्सुक होंगे। तो इसके अलावा बाकी तो देख ही सकते होंगे ये जो बाइक है ये दिखने में कितना ज्यादा ही खूबसूरत लग ही रहा है अपने में ही। और इसका हिसाब से इसी बाइक के अंदर देख ही सकते होंगे एलॉय व्हील्स दिया गया है, और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे दिया गया है वही कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स होता है, तो वो वाला सस्पेंशन। और बाकी इसी बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे जितना भी जो भी कुछ लाइट्स दिया गया है इसी बाइक के अंदर, तो वो सारा का सारा ही एलईडी लाइट्स के ही अंदर अंदर दिया गया है। और इसके अलावा भी देख ही सकते होंगे इसी बाइक के अंदर सामने का जो हेडलाइट वाला जो पार्ट है, तो उसके भी ऊपर एक कवर चढ़ाया गया है कंपनी के ही तरफ से, जो कि बाइक के हेडलाइट वाले पार्ट को बड़ा किसी पत्थर से या फिर उस जैसा ही कुछ से बचा लेगा। और इसके अलावा आपको इसी बाइक के अंदर देखने को मिलता है सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल एबीएस। और ये जो डुअल चैनल एबीएस है ना, तो ये मोड्स वगैरह का मतलब जो सिस्टम है, तो उस जैसा ही कुछ सिस्टम के साथ ये एबीएस दिया गया है कंपनी की तरफ से। मतलब कि आप अगर ऑफरोडिंग कर रहे हो तो आपके लिए अलग एबीएस होने वाला है, और आप अगर मतलब क्रूजिंग कर रहे हो तो आपके लिए और अलग से एबीएस होने वाला है। मतलब ऐसा ही कुछ तरीके का लेवल दिया गया है एबीएस का, जो कि आप अपने खुद के ही हिसाब से सेट कर सकते हो मतलब हैंडल के ऊपर दिया गया स्विच के ही मदद से इसी बाइक के ही अंदर। और बाकी इसी बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे जो इंजन दिया गया है, तो ये एक लिक्विड कूल वाला सिंगल सिलेंडर वाला एक इंजन है, जिसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलता है तो वो है 29.7 bhp, और इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है तो वो है 29 Nm। बाकी इसी बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है तो वो एक 334 cc वाला इंजन है। और इसके अलावा तो देख ही सकते होंगे इसी बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है, तो वो एक पूरा ही डिजिटल वाला मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स तो देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा देख सकते होंगे इसी बाइक के अंदर आपको एक और न्यू चीज देखने को मिलता है, जो कि है डुअल एग्जॉस्ट, मतलब डुअल एग्जॉस्ट वाला सिस्टम इसी बाइक के अंदर भी आपको दिए गए हैं। और इसके अलावा देख सकते होंगे इसी बाइक के अंदर आपको जो कलर स्कीम जो देखने को मिलता है, तो वो मैट ब्लैक के ही अंदर अंदर दिया गया है। और ये जो मैट ब्लैक वाला जो कलर है ना, तो ये देख सकते होंगे देखने में कितना ज्यादा ही खूबसूरत सा लग रहा है। और पर्सनली मैं अगर बताऊं तो ये वाला जो कलर है ना, तो ये कलर देखने के बाद मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि ये एक रॉयल वाला कलर है, मतलब कि रॉयल फील देने वाला एक कलर है। और बाकी इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है, तो वो तो आप लोग देख ही सकते होंगे। तो यही था कुछ मेन मेन इन्फॉर्मेशन इसी न्यू येजदी रोडस्टार का ही। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।